24 के चॉइस में आज हम बात करने वाले हैं सुल्तानपुर लोकसभा सीट की। देखा जाए तो 2014 से ही इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 2014 में यहां से वरुण गांधी चुनाव जीते थे और 2019 में उनकी मां मेनका गांधी यहां से सांसद बनी, जिन्हें बीजेपी ने एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया है। हालांकि पिछले चुनाव यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस चुनाव में यहां पर सीधा मुकाबला बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी के बीच था, लेकिन इस बार का समीकरण थोड़ा बदला हुआ है और इस बार यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। प्रत्याशियों की बात करें तो मेनका गांधी के सामने समाजवादी पार्टी से यहां पर प्रत्याशी हैं राम भुवाल निषाद और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं उदय राज वर्मा। तो इस चुनाव में सुल्तानपुर के दिल में क्या है, सुल्तानपुर की जनता क्या सोचती है, जो यहाँ पर कामकाज हुआ है उस काम पर सुल्तानपुर की जनता को कितना भरोसा है, ये जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के अलग अलग वर्गों के लोगों से। और सीधे चलते हैं उन लोगों के पास, उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर इस बार उन्हें क्या लगता है कि यहाँ का समीकरण कितना बदला है, कितना काम हुआ है और इस बार उनकी च्वाइस कौन है। तो इस वक्त मैं सुल्तानपुर में हूँ, सुल्तानपुर में लोगों से समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार उन्हें कौन पसंद है, किसकी लहर है और उनकी च्वाइस कौन है। सीधे लोगों के पास चलते हैं और उनसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्हें क्या लग रहा है कि इस बार सुल्तानपुर में क्या कुछ होने वाला है। क्या नाम है आपका भैया? दिलीप कुमार से। दिलीप जी, ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि इस बार सुल्तानपुर में क्या होगा? देखिए भैया, देखने में तो लोगों को लग रहा है कि लड़ाई एक तरफा है, लेकिन ऐसा है नहीं। यही थोड़ा सा अखिलेश जी या बसपा बार बार प्रत्याशी बदल रहे हैं, उसका थोड़ा बहुत नुकसान उनको हो सकता है। बाकी लड़ाई त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय लड़ाई है, मतलब पिछली बार की तरह नहीं है कि पिछली बार से एक तरफ भी तो मुकाबला काफ़ी ज़ोरदार हुआ था बसपा, चूँकि जो वोट का बसपा लोकल प्रत्याशी थे इसलिए ज़ोरदार मुकाबला हुआ। अच्छा, कामकाज की बात करें तो क्या लगता है कि पिछले 5 सालों में कितना काम हुआ है सुल्तान? कामकाज तो सभी गवर्नमेंटें कराती रहती है, ऐसा कुछ विशेष काम तो हमको नहीं दिख रहा है कि विशेष काम हुआ। जो काम हुए हैं वो आम वही रूटीन में जैसे सभी गवर्नमेंटें कराती हैं वैसे इन्होंने भी कराया। मोदी योगी का फैक्टर काम कर रहे हैं यहाँ पर? हाँ, योगी मोदी फैक्टर कुछ सवर्णों के बीच में काम कर रहा है जी, सवर्ण मतदाताओं में। अच्छा जी, पिछड़े मतदाताओं की बात करें? नहीं, पिछड़े और नीचे मतलब दलित मतदाताओं में कोई प्रभाव नहीं। आपका क्या नाम है भैया? हमारा अनीश अहमद नाम है। अनीश जी, क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है सुल्तानपुर में और पसंद कौन है इस बार यहाँ पर? यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई है और कास्ट कार्ड जो है खेला जा रहा है, अब कास्ट की लड़ाई हो रही है और मुद्दा जो है विकास रहेगा, विकास मुद्दे पर वोटिंग होगी। विकास हुआ है 5 साल? 5 साल में विकास जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। रोड का वो रखा जाता है, लेकिन रोड का विकास जो है इतना धीमा हुआ है कि 5 साल जो है में भी पूरा नहीं हो पाया है। मुस्लिम मतदाता इस बार किस तरफ जा रहा है? मुस्लिम मतदाता अभी जो है वो उसमें है, क्योंकि प्रत्याशी जो है अभी अदल बदल रहे हैं और देखा जाता है जो रहे में है। हाँ, अभी संशय में है अभी प्रत्याशी जो है। आपका क्या नाम है? समीम हाशमी। समीम जी, अगर हम बात करें सुल्तानपुर की, तो चूंकि 2 बार से यहाँ बीजेपी चुनाव जीत रही है, इस बार क्या लगता है आपको कि समीकरण तो समीकरण बीजेपी का गड़बड़ा गया है? निषाद वोट उसका भग गया, वर्मा भग रहा है, कहाँ लड़ेगी बीजेपी अब की? अब की तो बीजेपी की हालत खराब है यहाँ। मुस्लिम मतदाता किधर जा रहा है? वो तो गठबंधन में जाएगा और कहाँ जाएगा, मतदाता में जाएगा। हाँ हाँ, पूरी ताकत के साथ जाएगा। आपका क्या नाम है भाई साहब? सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र जी, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा सुल्तान? लड़ाई है, त्रिकोणी है। हाँ। इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। मोदी योगी का फैक्टर आपको लगता है काम कर रहा है? अभी तो समय बताएगा। अच्छा। काम की बात करें, आपको लगता है काम हुआ है 5 साल? काम हुआ है, वो तो जनता देख रही है, काम हुआ है कि नहीं हुआ है, रोजगार मिला कि नहीं मिला, ये तो सब जानते हैं, नवयुवक जानते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा कि बगल का ज़िला है अयोध्या, कहा जा रहा है कि राम लहर 90 जैसा कुछ बातें चल रही है, आपको लगता है कि वो फैक्टर भी काम? वो आध्यात्मिक चीज़ है। हाँ। उस पर कोई बोलना उचित नहीं है, अनुचित है।
वो आध्यात्मिक स्थल है। लेकिन बीजेपी अपनी तमाम रैलियों में राम मंदिर को एक उपलब्धि के तौर पर ले जा रही है, वो तो आपको भी पता है। हाँ, उसमें क्या कहेंगे। चलिए ठीक है, कुछ यहाँ के दुकानदारों से बातचीत कर लेते हैं कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं। क्या नाम है दादा आपका? अरे भाई, हम तो चाय बेचने वाले हैं। हमारी सोच केवल अपने बच्चों तक पालने की है, प्रधानमंत्री बनने की नहीं। ये है, प्रधानमंत्री ठीक है, लेकिन जो नया कानून बनाते चले जा रहे हैं, बच्चों को हर तक फेल मत कीजिए, उनकी नींव पहले ही कमज़ोर कर दे रहे हैं। इनको पढ़ाइए लिखाइए, कितना भी खर्च बर्च करके उनको घर बैठाइए, तो वो चोरी करें या रिक्शा चलाएं या हमारी तरह वो भी चाय बेचने लगे, हैं? इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? प्रधानमंत्री जी, कुछ बच्चों के बारे में सोचिए। आपके बच्चे नहीं, तो इसका मतलब नहीं कि दुनिया के बच्चे नहीं हैं। अच्छा, तो और कोई आपको लगता है? और क्या तो देखिए, इस वक्त सुल्तानपुर में हूँ और देखा जाए तो चूंकि मिक्स रिएक्शन देखने को यहाँ पर मिल रहा है। हालांकि अगर 2014 से लेकर अब तक की बात करें तो 14 में वरुण गांधी यहाँ से चुनाव जीते, 19 में उनकी माँ मेनका गांधी चुनाव जीती, और इस बार भी बीजेपी ये दावा कर रही है कि जीत बीजेपी की होगी। लेकिन हम लोगों से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उन्हें क्या लगता है, क्या समीकरण वैसा ही है या फिर समीकरण बदला है। चौबीस की चॉइस में आज हम बात कर रहे हैं सुल्तानपुर लोकसभा सीट की, और इस वक्त मैं सुल्तानपुर में हूँ। सुल्तानपुर सीट की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 20% जो वोटर हैं वो मुस्लिम वोटर हैं, और वैसे में इस वक्त मैं सुल्तानपुर के एक मुस्लिम बाहुल्य इलाके में पहुँचा हूँ। ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो सुल्तानपुर का मुस्लिम वोटर है उसका मूड क्या है और वो किस तरफ है। कुछ लोग हैं इस वक्त मेरे साथ। सबसे पहले तो इस मोहल्ले का नाम बता दीजिए, कौन सा मोहल्ला है ये? ये मोहल्ला आता है हनीफ नगर, इसको पौसाला भी कहते हैं। अच्छा, नाम क्या है आपका? हमारा नाम है मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद जी, ये बताइए कि इस चुनाव में अगर मुस्लिम वोटर की बात करें तो मुस्लिम वोटरों का क्या मूड है? देखिए भैया, मुस्लिम वोटरों का जो मूड है फिलहाल अभी सपा का रुझान जाता है, ये है। मुस्लिम ही नहीं, गैर मुस्लिम का भी वोट ज़्यादातर सपा पे ही जाएगा। मुस्लिम वोटर इस बार गठबंधन में, हालांकि वो तो परंपरागत वोटर माने जाते हैं, मुस्लिम भी जाएंगे इधर, और इधर हिंदू भी लॉबी का कुछ परसेंट वोट सपा को जाएगा। अच्छा, जिसमें अपने सरदार जी लो भी लोग हैं, कुछ बनिया का भी वोट जाएगा, कुछ पंडित का वोट जाएगा, ये है। अच्छा, ये बताइए क्या नाम, आप नाम बता दीजिए पहले। शोएब आलम। शोएब जी, इस बार सुल्तानपुर की बात करें, खासतौर पर अगर हम मुस्लिम समाज की बात करें, तो कौन सा फैक्टर काम कर रहा है इस बार मुस्लिम समाज? जो काम करेगा वो वोट पाएगा। अच्छा, जो विकास करेगा वोट पाएगा। तो आपको लगता है कि काम हुआ है? थोड़ा बहुत काम हुआ है, लेकिन मतलब रोड पे तो दिख रहा है, रोड पे काम बहुत दिख रहा है, लेकिन नौकरी की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। खासतौर पर अगर मुस्लिम समुदाय की बात करें, जो सरकारी योजनाएँ हैं सरकार की, उन योजनाओं का कितना लाभ पहुँचा है मुस्लिम समुदाय? थोड़ा बहुत तो पहुँचा ही है, लेकिन और भी काम करने की ज़रूरत है। लेकिन बीजेपी तो ये दावा करती है कि जो भी योजनाएं, चाहे मकान की योजना हो, राशन की योजना हो, या जो भी जनधन, बीजेपी का दावा है कि जैसे अन्य वर्गों को इससे लाभ मिला, मुस्लिम समुदाय भी लाभान्वित हुआ। हाँ, उसकी जिम्मेदारी तो सभासद की होती है, वो जितना काम करा ले जाए, छोटे मोटे मकान, ये वो, गली रोड, ये सब तो सभासद की जिम्मेदारी होती है, बड़े नेताओं का इसमें कोई वो योगदान नहीं रहता। हाँ, बड़े बड़े हाईवे ये सब में होता है। कुछ और भी लोग बैठे हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है हाजी नूर आलम। हाजी नूर आलम, आप यहीं इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं? जी जी। चुनाव होना है, देखा जाए तो छठे चरण में चुनाव है सुल्तानपुर में, मुस्लिम वोटरों का रुझान क्या लगता है इस बार सुल्तानपुर में? आप सपा पे? सपा पे जी। काम हुआ 5 साल में? पिछले नहीं कोई खास काम तो अभी मोदी राज में तो नहीं हुआ है, वही 5 किलो चावल, वही गेहूँ मिल रहा है, और तो कोई काम नहीं हुआ है। मोदी योगी का फैक्टर आपको लगता है कि यहाँ काम कर रहा है? नहीं। आपका क्या नाम है सर? बाहर का हूँ। आप बता दीजिए क्या नाम है आपका? रुकमुद्दीन। रुकमुद्दीन, आप इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं? अरे बस यहीं करीब है मैं।